हालात ये है, बस रोड पे बैठे हुए हालात वो है, कुछ भी नहीं बचा है। पूरा गांव जो है वो पानी में डूब गया है। हम लोग ऐसे बाल बच्चे निकाल निकाल के थक गए हैं, कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, ऐसे कर करा के निकल के आए हैं। मेरा बड़ा बेटा था वो भी डूब के इस पानी में मर गया, 17 साल का था। बिजली पानी का तो कुछ भी नहीं है, इधर से जाते हैं वो दूर से जाके पानी भर के लाते हैं पीने के लिए। और तो अभी ये बाहर बैठे हुए हैं धूप में, कोई बीमार होता है कोई क्या तो अस्पताल लेके जाना पड़ता है, इधर तो कोई सहूलत नहीं है, दवाओं का भी कुछ भी नहीं है, शहर में भी दवाइयाँ नहीं मिलती है। कल मैं गया था शहर में, पेनाडोल की गोली भी नहीं मिल रही थी, बोला रास्ते नहीं है, दवाई ऊपर से नहीं आ रही है, मेडिकल पे नहीं मिल रही थी। अभी हमको सैलाब में हम खाने के लिए हमारे कुछ भी नहीं, अभी तो हम बैठे हैं ऐसे देख रहे हैं, आता है कोई पंजा का चावल देते हमको, अब अपन भी नहीं खाते, अपने बच्चों को देते, क्या करें, एक दिन देता है तो दो दिन नहीं देते। सैलाब के आने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए, मतलब 80-90% यहाँ के आबादी है वो सैलाब की जद में आ गए। ख़ास के यहाँ औरतें और बच्चे हैं जिनकी सेहत पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। बच्चों में खुराक की कमी हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि माँ को खुराक ना हो, दो टाइम का खाना ना हो, तो वो बच्चे को किस तरह फीडिंग करवा सकती है। असके ना है अस मर था ना, वो कमजोरी है ना, दवा ना दारू, यो खानजादी पानी ये सुकी इनके बेचारे के ना है खुराक, मावा के खीर तस न खुराक तस, यो बेचारी सुकी वे। ये हम लोग आज 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ना तो किसी हुकूमती अहलकार ने हमें पूछा है, ना ही हुकूमत की तरफ से हमें कोई पूछा गया, ना रिलीफ मिला है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और हमारे मवेशी भूख से मर रहे हैं, बीमारी फैली हुई है, मच्छर हैं, कोई भी नहीं आता कभी, हम लोग कहाँ जाएं। डेरा मुराद जमाली से 3 किलोमीटर के फासले पे हमारा गोठ है, गोठ मोहम्मद उमर बुगटी के नाम पे, हम वहाँ पे रहते हैं, काफी हमारे कजन दोस्त और अहबाब हैं। तो ये 12 अगस्त से ये अक्सर सिलसिला चल रहा था बारिशों का, बस यही सोच रहे थे अल्लाह आराम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। कच्चे मकान थे और पहले भी कुछ सही नहीं था उसका पोजिशन, तो बस अबू कह रहा था अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। आखिर 20 तारीख जो है लगातार जो बारिश हुई तो जगह गिरने लगी, तो हम सब बाहर निकल के चारपाई रख के उधर रात गुजारा, तो 20 को हमने देखा माहौल ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने तैयारी पकड़ा, हम बारिश में आए। इधर एक दोस्त का एक घर है, कमरा भी ऐसे नहीं है, इसमें बैठे हुए हैं। ये सामान ले रहे हैं हम खुद घर, उधर पानी में डूब गए हैं, कोई सामान के कैसे तरीके से आएगा सामान, तो हम खुद देखो कैसे क्या हालत में ले रहे हैं। कोई हुकूमत का आदमी भी नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। सर घरों का तो हाल बिल्कुल तबाह हो गया है, घरों से हम बाहर निकल के बैठे हुए हैं सर, फिलहाल तो घरों का कोई मसला नहीं है, अल्लाह करेगा खैर घर बन जाएंगे। ये हमारा फसल जो है 6 महीने इस पर हम गुजारा करते थे, वो हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया, काटन हमारी थी ये ख़त्म हो गई, गन्ना हमारा था ख़त्म हो गया, ये खजी वजी थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई।